ऑलराइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो क्या WWE इस टाइम पे बोरिंग हो चुकी है या फिर हम सभी को ये बोरिंग लग रही है, और क्या आने वाले टाइम में WWE काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेपर व्यूज आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि WWE करंटली बोरिंग है या फिर आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग कैसे बन सकती है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल बनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 या 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंटली WWE की, तो क्या इसमें हम सभी को कुछ बोरिंग स्टफ देखने को मिल रहा है? तो हम लोग 90% कह सकते हैं कि भाई नहीं, और 10% कह सकते हैं हाँ, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा बोरिंग नहीं है WWE कि हम लोग देख ही नहीं पाए। क्योंकि रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में बैलर क्लब का थोड़ा बहुत रीयूनियन टाइप से भी देखने को मिला है। हाँ, कम्प्लीटली रीयूनियन नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें रेसलमेनिया बैकलैश की, तो क्या इस इवेंट की हाइप है? इसका आंसर है डेफिनेटली नो। तो भाई रेसलमेनिया बैकलैश की कोई भी हाइप नहीं बनाई है WWE ने, और एक ही हफ्ता बचा है आई थिंक, बस संडे के बाद भाई मंडे ही आता है, तो वहाँ पर रेसलमेनिया बैकलैश होने वाली है। और जो एक मेन चीज़ हम लोग को शो से अट्रैक्ट कर रही थी जो कि था टैग टीम चैंपियनशिप का यूनिफिकेशन वाला मैच, तो वो भी WWE ने कैंसिल कर दिया। और हम सभी सोच रहे थे कि रोमन रेंस का ओपोनेंट होने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर, और फाइनली 1-on-1 मैच होगा इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, तो वो चीज़ें भी नहीं हुई। और एक 6-man टैग टीम मैच बना दिया WWE ने बिना किसी स्टिपुलेशन के, और आने वाले स्मैकडाउन में कोई स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो एक नॉर्मल मैच है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ है। अगर वह रेसलमेनिया बैकलैश में कुछ बढ़िया मैचेस हो रहे थे तो पता नहीं WWE ने क्यों उसको हटा दिए। और एज एन एज स्टाइल्स का रीमैच है, बाकी ज़्यादातर रेसलमेनिया 38 के रीमैच ही हैं, लेकिन रेसलमेनिया बैकलैश मेरे हिसाब से एक वर्स्ट PPV बन सकता है अगर WWE इसकी एंडिंग एक नॉर्मल एंडिंग करती है। मेरे हिसाब से तो यार इस पेपर व्यू को ही हटा देना चाहिए WWE को। मतलब यार रेसलमेनिया के बाद मेरे हिसाब से पेबैक आता था, फिर पेबैक के बाद एक्सट्रीम रूल्स आता था, तो यहाँ से लाइन वाइज लाइन जो इवेंट्स हैं वो चलते रहते थे। लेकिन यहाँ पर पता नहीं WWE ने क्या ही बैकलैश डाल दिया है। हाँ, पहले मैं सोचता था कि WWE नया पेपर व्यू लाई है, लेकिन जब मैंने ओल्ड टाइम में जाके देखा तो बैकलैश भी काफ़ी बढ़िया इवेंट हुआ करता था, लेकिन WWE ने उसमें नेम ऐड कर दिया रेसलमेनिया, जो कि मेरे हिसाब से वियर्ड थिंग थी। हाँ, लास्ट ईयर चला गया था क्योंकि भाई कोविड का टाइम था, बट अब पता नहीं WWE क्या ही कर रही है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से रेसलमेनिया बैकलैश एक वर्स्ट PPV बन सकता है अगर उसमें कुछ एंडिंग बढ़िया ना हुई हो तो। और क्या आगे चल के WWE इंटरेस्टिंग बन सकती है? क्योंकि आगे पेपर व्यूज काफ़ी बढ़िया हैं, लाइक समर स्लैम होगा, मनी इन द बैंक होगा, हेल इन अ सेल होगा, तो यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। UK का टूर भी आने वाला है, और जो मेन चीज़ें हैं जो कि है रोमन रेंस की दोनों चैम्पियनशिप्स, और भाई कौन इन चैम्पियनशिप्स को लेगा, तो भाई काफ़ी सारे सवाल हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से WWE थोड़ी थोड़ी बोरिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में WWE बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और विंस मैकमैन करंटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं, और आई डोंट नो विंस मैकमैन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी एज हो गई या फिर जो भी सीन है, लेकिन आने वाले टाइम में WWE डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ में मैं ऐड कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। अब रेसलमेनिया बैकलैश में भी ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली एडवर्टाइज थे, लेकिन WWE ने उनको पुल्ड आउट कर लिया, और उससे साफ दिखता है कि WWE इंपॉर्टेंस देती नहीं है रेसलमेनिया बैकलैश को, जस्ट एक फिलर पेपर व्यू टाइप सा है। तो WWE ने पुल्ड आउट किया है लेसनर को, लेकिन लेसनर मनी इन द बैंक के लिए स्टिल ऑफिशियली एडवर्टाइज है पोस्टर में। तो मनी इन द बैंक में ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, अब वो शो पे आएंगे या शो से पहले आएंगे वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और कोडी रोड्स का क्या फ्यूचर होने वाला है रेसलमेनिया बैकलैश के बाद, क्या उनको मौका मिलेगा चैंपियनशिप के लिए? सेथ रॉलिंस का क्या होगा? ड्रू मैकइंटायर क्या चैंपियन बनेंगे? इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले टाइम में, क्योंकि मैकइंटायर का तो सीन अभी से बैठ रहा है, UK का भी टूर होने वाला है, तो क्या पता वहाँ पर WWE कोई हिस्ट्री क्रिएट कर दे और रोमन रेंस के हाथ से एक चैंपियनशिप चली जाए। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में WWE काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो WWE की करंट स्टफ के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो मैं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक करना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।